क्या आप जानते हैं चेहरे में अचानक तेज दर्द या जलन होना मानो जैसे कोई करंट लगा हो और इस दर्द का कुछ सेकंड से लेकर 2 मिनट तक भी बरकरार रहना, ये क्या है? इस बीमारी का नाम है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। कई बार इस बीमारी से ग्रसित मरीज इस बीमारी को दांतों का दर्द समझकर दर्द सहते रहते हैं। इसलिए आज हमें इस असहनीय दर्द वाली बीमारियों के बारे में बताने के लिए हमारे साथ है नागपुर के विम्स हॉस्पिटल के कार्यरत प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर विवेक अग्रवाल। तो आइए जानते हैं इनसे ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, इस बीमारी के कारण, लक्षण और उपचार संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे इस प्रोग्राम के एक खास मुलाकात में। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक अग्रवाल, मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, कार्यरत हूँ विम्स हॉस्पिटल में पिछले 6-7 सालों से। विवेक सर, आप मुझे बताइए कि एक बहुत ही अनजानी सी एक विकार है जो इन दिनों मस्तिष्क के विकार में दिख रहा है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया जिसको हम कहते हैं, क्या होता है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, क्या कहेंगे? जी, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया ये एक मस्तिष्क की बीमारी है जिसमें चेहरे की एक नस होती है जिसका नाम ही ट्राइजेमिनल नर्व है, जो कि मस्तिष्क की 5वीं क्रैनियल नर्व होती है। ये जो नर्व होती है इसकी दबाव के कारण जो दूसरी रक्तवाहिनी होती है इसको ये दबाती है, जिस वजह से ये आपस में टकराने की वजह से चेहरे पे खूब तीव्र गति से इलेक्ट्रिक करंट के जैसे दर्द होता है। क्या कारण हो सकते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया होने के? जनरली ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया होने का जो मैंने जो सबसे मुख्य कारण है यही होता है कि नस पे रक्तवाहिनी जो रहती है वो चढ़ जाती है, ये एक कारण होता है। दूसरे और कुछ कारण होते हैं जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी होती है, या फिर किसी को ब्रेन में ट्यूमर हो, जो चेहरे की नस होता है उसके पास में अगर ट्यूमर हो और वो नस से टकरा रहा हो तो इसके कारण भी ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया हो सकता है। बीमारी की कोई उम्र नहीं होती, तो क्या ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, किसी पर्टिकुलर एज में हो सकती है? जनरली ये जो बीमारी होती है ये 40 से 50 साल की उम्र के बाद ही देखी जाती है, लेकिन जैसे आपने बोला कि ये कोई भी उम्र में पाई जाती है तो ये बीमारी कोई भी उम्र में देखी जा सकती है। क्या ट्राइजेमिनल न्यूरोलजी आनुवंशिक या जेनेटिक थ्रू हो सकता है? नहीं, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजी जेनेटिक बीमारी नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ये पास ऑन होती है जनरेशन टू जनरेशन, ऐसा नहीं है। लक्षण जो आपने बताया कि चेहरे में एक करंट आना और पेन होना, यही है कि इसके अलावा और भी कोई लक्षण देखे जा सकते हैं? सबसे मुख्य लक्षण यही है, पेशेंट को बहुत तीव्र, मैंने जैसा बोला था इलेक्ट्रिक करंट के जैसा पेन होता है चेहरे पे, ये सबसे इसका मुख्य लक्षण है। दूसरे लक्षण जो होते हैं चेहरों पे सूजन, जब दर्द होता है तो पेशेंट को चेहरे पे सूजन आ जाता है, कभी कभी एक साइड का जो चेहरा होता है वो काफी समय से, अगर किसी को पेशेंट को ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है तो एक साइड के चेहरे पे लालपना भी आ सकता है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया को अगर हमको डायग्नोस करना है, पता करना है कि ये बीमारी है क्या, तो डायग्नोस करने की कौन कौन सी प्रणालियां उपलब्ध है? ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया बेसिकली इसको जो डायग्नोसिस होता है ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, यानी पेशेंट जब हमारे पास में आता है हम उससे कुछ सवाल पूछते हैं, उससे ही हमको तकरीबन पता चल जाता है कि पेशेंट ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया से बीमार है, परेशान है। उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग MRI करवाते हैं, MRI से हमें ये चीज में कंफर्मेशन हमें मिल जाता है। उपचार तंत्र में अगर देखा जाए तो आज के आधुनिक समय में ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के लिए उपचार में कौन सी पद्धति अवलंबित है? उपचार में ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के उपचार में अपने पास में मेडिकल मैनेजमेंट भी है और सर्जिकल मैनेजमेंट दोनों होता है। यूजुअली सामान्य तौर पे हम लोग जब पेशेंट हमारे पास पहली बार आता है तो हम लोग उसको समझा के मेडिसिन देते हैं, जिस तरह और वो मेडिसिन लेने से मैक्सिमम पेशेंट, में बोलूँगा कि 95% पेशेंट को आराम होता है। जब पेशेंट मेडिसिन काफ़ी समय से लेता रहता है और वो परेशान हो जाता है लेते लेते और वो चाहता है कि अब मैं मेडिसिन नहीं ले सकता, तब हम उसको ऑपरेशन की सलाह देते हैं। लेकिन मेडिसिन जो है वो एक टेम्पररी इलाज है, जब तक आप दवा खाते रहेंगे तब तक मरीज को अच्छा लगता है, जैसे ही उसने दवाई बंद किया कुछ दिनों बाद वापस वो तकलीफ वापस शुरू हो जाती है। इसलिए हम लोग पेशेंट को ये भी सलाह देते हैं कि अगर वो ऑपरेशन के लिए जाना चाहते हैं तो ऑपरेशन इसका एक परमानेंट इलाज है। क्या ऑपरेशन करने के बाद, सर्जरी करने के बाद ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया परमानेंटली खत्म हो जाता है? मैक्सिमम केसेस में ये परमानेंटली खत्म हो जाता है,
कुछ कुछ केसेस में ये दोबारा भी होता है, जिसके लिए कभी कभी दोबारा भी ऑपरेशन करना पड़ता है। लोगों में मिसकंसेप्शन बहुत सारे हैं, लोग अपने तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जिन किसी को ट्राइजमिनल न्यूरोलॉजिया दिखता है और जिस तरह करंट आंखों के नीचे चेहरे पे आता है, तो उसको लगता है दांत का पेन है, तो कोई दांत उखाड़ ले रहा है, कोई यहाँ के ऑपरेशन कर ले रहा है, और अपने अपने तरह की इलाज लोग कर रहे हैं। इस तरह के जो लोग हैं, इनको क्या मैसेज आप चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? इस तरह के जो पेशेंट रहते हैं, जैसे आपने सही बोला कि बहुत सारे पेशेंट डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं क्योंकि उनको दर्द होता है, वो जबड़े में दर्द होता है। तो इस तरह के पेशेंट को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपका ट्रीटमेंट करने के बावजूद आपको पेन कम नहीं हो रहा है, डेंटिस्ट के दिखाने के बाद में दांत निकालने के बाद भी दर्द कम नहीं हो रहा है, तो तुरंत आपने एक अपने न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन का ओपिनियन लेना चाहिए। आमतौर पर देखा जाए तो मस्तिष्क से रिलेटेड और भी बीमारियां हैं, तो आपके द्वारा अगर बात की जाए तो आपके हॉस्पिटल में और कौन कौन सी फैसिलिटीज मस्तिष्क विकारों के ऊपर में यहाँ अवेलेबल है? क्योंकि मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ, तो विम्स हॉस्पिटल में मैं मस्तिष्क और स्पाइन से रिलेटेड सभी बीमारियों का हम लोग ऑपरेशन करते हैं। जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन में पानी भर जाना, ब्रेन में हेमरेज हो जाना, स्ट्रोक, पैरालिसिस, ये सब के यहाँ पर इलाज होता है, ऑपरेशन होते हैं। उसी प्रकार से स्पाइन का गर्दन की हड्डी से लेके कमर की हड्डी तक का अपन यहाँ पर पूरा इलाज होता है। गर्दन की ऑपरेशन जैसे सर्वाइकल स्पोंडिलाइसिस, स्लिप डिस्क जिसको कॉमनली बोला जाता है, उसका भी अपन यहाँ पर पूरा इलाज होता है, और हर प्रकार की मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का इलाज यहाँ पर होता है। सर आपके बारे में बात की जाए, आप लगभग बहुत सारे वर्षों से आपने मस्तिष्क विकारों के लिए आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अनगिनत केसेस आपने देखेंगे, ऐसे खास कोई केस जो आपको हमेशा याद रहेगा? बिल्कुल, मुझे ऐसा केस याद है। वो पेशेंट जो था वो बालाघाट से आया था, और वो एक 25 साल का लड़का था जिसको काफ़ी समय से एक साइड में पैरालिसिस था, और उसे ये बताया गया था कि उसे पोलियो है, जबकि वो पोलियो नहीं था। उसको ब्रेन में एक बहुत बड़ी गठान थी जिसकी वजह से उसको एक साइड में कमजोरी थी। अब क्योंकि वो कमजोरी इतने सालों से थी, तो वो कमजोरी परमानेंट हो चुकी थी, लेकिन जब वो हमारे पास में आया तो हमने उसका MRI करवाया, अंदर में गठान देखी, हमने गठान उसको निकाली। तो वो एक ऐसा केस है जो मुझे हरदम याद रहता है। जी, चैनल के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आपसे मस्तिष्क विकारों के लिए आपसे परामर्श लेना चाहते हैं, आपसे संपर्क करना चाहते हैं, किस तरह आपसे संपर्क कर सकते हैं? मेरे से मस्तिष्क और स्पाइन से रिलेटेड परामर्श करने के लिए आप डायरेक्ट हॉस्पिटल में कॉल कर सकते हैं, विम्स हॉस्पिटल कॉल कर सकते हैं, या फिर मेरे बारे में आप गूगल, फेसबुक या कहीं पर भी आप सोशल मीडिया में सर्च कर सकते हैं, या फिर आप मेरे असिस्टेंट को कॉल कर सकते हैं, जिनका नंबर है 8600062613।